जोहान का हेड शेव क्यों नहीं किए? जोहान का फेस रिवील कब होगा? ब्रांड का प्राइस हाई क्यों है? ब्रांड नेम का आइडिया किसका था? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नवजोग बड़ी छोटी सी दुनिया में। हम लोगों ने जैसे आप लोगों कल के व्लॉग भी बोले थे कि आज हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन आंसर का व्लॉग, और जितने भी जोहान से और ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर चुके हैं जो विदा बताएगी। अरे जो बहुत ज्यादा पूछा गया था और जो हम लोग ऐसा लगा कि हमको ये आंसर करना है, और जो हमको ऐसा लगा कि हम आंसर नहीं करना चाहते उसको हम लोग ने थोड़ा रखे, जब वक्त आएगा तब हम उसका आंसर करेंगे। झूठी है, सब क्वेश्चन लिख लिए इसने। ये बताना जरूरी था तुम्हारे को, किसी का नहीं रहेगा तो लिख के आएगा तुम्हारे को भी। अच्छा, पॉजिटिव कमेंट के लिए तुमने किए, देखो कितना भी कर लो हेट कमेंट तुम आने वाले। तो गाइज, और उसके अलावा क्या बोलना, सबसे पहला क्वेश्चन है। और हम लोग एक और एक चीज की हमारे से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने आंसर नहीं किए, वो हम लोग सेपरेटली ब्लॉग बनाएंगे, 2025 बनाएंगे। और गाइज, मैंने मेरे ब्रांड का खिमर पहनी हूँ। पैसा ना इसका जो बनवाने का गया खर्चा। एक्सक्यूज मी, आई एम द फाइनेंसर, डोंट यू फॉरगेट दैट। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जोहान का नाम किसने रखा? तो गाइज, मैंने ये पहले भी ब्लॉग में बोल चुकी हूँ, बट किसी किसी को नहीं पता है, बहुत सारा पूछा गया था क्वेश्चन। ये मैंने एक्चुअली लिस्ट बनाई थी जोहान के आने से पहले, मैं सबको बताती थी कि मैं लड़का होगा तो ये सब सोचू, लड़की होगी तो। सबसे ज्यादा जोहान नाम पे मुझे रिएक्शन आए थे कि हाँ अच्छा नाम है यार, सबका अप्रूवल आया था, इन शॉर्ट कहना चाहती हूँ। चाहे वो नाना नानी हो, दादा दादी हो, कजिन हो, भाई बहन हो, दोस्त लोग हो, सबको, इसके लिए मैंने जोहान रख ली। सेकंड क्वेश्चन, जोहान का हेड शेव क्यों नहीं किए? ये प्रश्न गाइस बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मुश्किल मतलब आसान है, क्योंकि गाइस आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि जोहान जो है वो वक्त से पहला पैदा हुआ है, तो डॉक्टर ने हमें ये सजेस्ट किए थे कि उसकी स्किन में भी हो सकती है पतली हो, हमें नहीं पता क्योंकि अंदर डीप जाके नहीं देखे, तो बेटरमेंट यही रहेगा जोहान के लिए कि उसका हेड शेव नहीं करे, क्योंकि उसकी स्किन अगर कट गई गाइस उसको खून निकलेगा, उसको तकलीफ होगी और वो दूध पीना छोड़ देगा, अगर दूध पीना छोड़ दिया गाइस तो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक महीना पहले पैदा हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जोहान का अकीका क्यों नहीं हुआ? ऑब्वियसली गाइस, जब हेड शेव नहीं होगा तो अकीका कैसे होगा? कैसे हम होगा? लोग चाह रहे थे कि जिस दिन हेड शेव होगा उसके आने वाले टाइम में हम अकीका करें, एक अच्छा सा टाइम देख के जहाँ पे सबकी अवेलेबिलिटी हो, सारे घर वाले आ सके, सारे लोग इन्वायरमेंट अपना रख सके, क्योंकि गाइस हमारे घर वाले सबसे पहले जोहान को देखेंगे, पूरी फैमिली वाले, तो उसके लिए सबका आना जरूरी है। हमें भी पता है कि सुन्नत तरीका है बेबी के 7 डेज में ही करवाना चाहिए अगर आपकी हैसियत है तो। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग, हमारा बेबी होगा तो हम 7 डेज के अंदर अंदर या 7 डेज पे ही करवा देंगे, बट कुछ ऐसे कंडीशंस आ चुके हैं, कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ गए कि हम नहीं करा सके, हम लोग की मजबूरी थी और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान को नवी मुंबई कब लेके जाएंगे? जैसे ही गाइस जोहान के 40 डेज हो जाएंगे हम उसको नवी मुंबई ले जाएंगे। yes. क्योंकि गाइस हमारा घर तो वही है, होम स्वीट होम, जहाँ घर है वहाँ जन्नत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहान का फेस रिवील कब होगा? देखो गाइस, सीन ऐसा हो गया ना कि अभी जोहान है ना हमारे खानदान में हर किसी की तरह दिख रहा है। right. हम लोग खुद को नहीं समझ मारा कि ये किस पे गया है। एक्चुअली कभी लगता है कि इन पे रह रहा है, कभी मेरे पे, कभी ऑल ओवर हमारे घर वालों पे, सब पे जाता है। तो जिस दिन गाइस उसका फेस किसी एक पे टिक जाएगा ना कि हाँ ये कंफर्म इसी पे गया, तब हम लोग रिवील करेंगे। 3-6 महीने के बाद होता है, नहीं तो उसके पहले बीच में आधा पता चल जाएगा। अच्छा, आधा लोड हो जाएगा, आधा लोड होने टाइम लगेगा, वरना पता चला लोग बोलेंगे अरे यार तुम लोग ट्विंस था, सच्ची में तुम लोग ट्विंस थे, ये आधा इस पे गया आधा कोई दूसरे वाले पे गया, इसलिए हम लोग चाह रहे कि जब पूरा एक पे चला तब हम लोग करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, विच इज नॉट रिलेटेड टू जोहान, बट ब्रांड का प्राइस हाई क्यों है? प्राइसिंग हाई नहीं है, ब्रांड प्रीमियम है। कभी कभी ऐसा लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बिकॉज अगर जब तक आप ऑर्डर नहीं करोगे, क्वालिटी को अपने हाथ में नहीं देखोगे, तब तक आपको वो लुक फील आपको नहीं समझेगा कि अच्छा ये है इसकी वजह से प्राइसिंग ये है। तो अगर आप लोग ऑर्डर करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि हम लोग ने मटेरियल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, ताकि हम लोग आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी दे, और साथ ही साथ हम लोग ऐसे पे फोकस कर रहे थे कि ये मार्केट पे इजीली कहीं पे अवेलेबल ना मिले, इसी वजह
स्पेशली इसको इम्पोर्ट करवाया है हम लोगों ने खास जगहों से, ताकि ये ब्रांड आपको एक्सक्लूसिव फील दे. जो मटेरियल किसी के पास नहीं है वो मटेरियल आपके पास, और हर किसी के पेज पे जो है वो हमारे पेज पे आपको नहीं मिलेगा. तो इसके लिए ताकि आपको कुछ वेराइटीज मिले, आपको ऐसी चीजें मिले जो आपको पहनकर आपको फील दे और आपको वो फ्लो दे और आप एकदम पतले दुबले लगे, तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए. और फिर बाद में आप लोग खुद ही बोलोगे कि हाँ, आपकी प्राइसिंग और आपकी जो क्वालिटी और आपका जो प्रीमियमनेस इट इज वेरी नाइस. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. और ये भी बोलना चाहूंगी कि हम लोग का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही, हम लोग ने बहुत ही मतलब जीरो ही रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग ने ये सोचे थे कि हम मटेरियल पे जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा. हम लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते. कमाना मोटो नहीं, हमारा ब्रांड बिल्डिंग मोटो है. हमें एक ब्रांड बनना है. कमाना कमाते तो हम यूट्यूब से भी है, तो हमको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है, बट हमें एक ब्रांड बनना है, लोगों को अच्छी चीजें पहुंचाना है. और गाइस, हमारा जो मोटिव है कि हम गरीब जो यतीम बच्चियां रहती है, जो मदरसे में पढ़ती है 7 से 10 साल की बच्चियां, हमारा मोटो है कि हम उनको मदद करें, उन पे ज्यादा फोकस रहे, हिजाब को प्रमोट करें. और ये आप लोग सोचेंगे कि हाँ, अभी लोग ने फिलहाल आगे चल के क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा अगर एक बार कस्टमर्स बन गए तो? नहीं गाइस, अभी हम लोग कस्टमर बनाने के लिए पहले सस्ती चीजें बेचता है ताकि कस्टमर बन जाए. फिर इंसान क्या करता है, बोलता है चल ठीक है कस्टमर तो बन गया, हमको जो दो वो खरीद लेते. बट हमारा मोटो ये है कि अभी फिलहाल हम लोग ने बहुत स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किए हैं, जैसे कि हमारी क्वांटिटी कम है. इसके लिए जब हमारी क्वांटिटी, हम लोग फिर जैसे हमारे कस्टमर्स बनेंगे तो हम हमारी क्वांटिटी भी बढ़ाए देंगे, राइट? ऑब्वियसली. और जब वो क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो प्राइसिंग कभी आप लोगों को कम ज्यादा नहीं होगी, वैसे ही कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट रहेगी. इंग्लिश भी मेरे को सिखाना पड़ेगा. अरे यार हद हो गई, मुझे मेरे घर ले चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान नाम क्यों रखा और उसका मतलब क्या है? मैंने रखी हूँ मैं जोता. तो जुहान नाम का मतलब है अल्लाह की तरफ से तोहफा. और यस, हम लोग को नाम अल्लाह से रिलेटेड रखना था कि हमारा बेबी जो हो वो उनके करीब हो, मतलब वो चीज के करीब हो. तो हम लोग को फिर ये नाम मिल गया. और ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने सोचे थे, जो कि था अल्लाह की आवाज, जन्नत का दरवाजा, जन्नत, वो सारे नामों से ज्यादा अच्छा हमें जुहान लगा, तो हमने वो रख दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुहान का बर्थ गिफ्ट क्यों नहीं दिया? बोले जुहान पैदा हुआ तो उसका गिफ्ट क्यों नहीं दिए? गाइस ये तो सरप्राइज है. हाँ, ये आप लोगों को कैसे बताएंगे? अभी नहीं पता चलेगा, ये प्रोसेस में है गाइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहान कितने मंथ का हुआ है? जोहान अभी 1 month and 3 days का हुआ है. अरे 1 month 3 days, sorry, 1 month 3 days which is 33 days. yes, उसका एक्चुअल बर्थ अभी 22 तारीख चालू हो रहा है. हाँ, अगर आपको काउंट करना है तो आप 22nd February से भी उसका 1 day काउंट कर सकते हैं. मतलब 22nd को उसी बर्थडे मना लेते हैं. ब्रांड में क्या खासियत है? ठीक है, मैं तो खासियत है मैं को पता है प्रीमियमनेस और इनके डिजाइंस. आप देख सकते हो ये वाला डिजाइन, इट इज वेरी एक्सक्लूसिव गाइस. अभी तक मैंने तो नहीं देखी घिमर में ऐसा कुछ, क्योंकि ये मेरी ओन है. और अगर किसी ने मेरा कॉपी किया रहेगा तो बोल, इसके बाद अगर आपको नहीं देखेगा समझो इसी से कॉपी. यस, हाँ. ब्रांड नेम का आइडिया किसका था? अपना नाम तो लेना ही नहीं होगा. मैं क्यों बोलूंगी यार, इसने कॉपी किया. मैंने कॉपी किया, किससे कॉपी किया? गाइस मेरा मोटो ये था कि नाम ऐसा रखो कि इंसान के मुंह से फटाक से निकले और इंसान के मुंह पे बैठ जाए. कपड़ा कहां से लिया? मॉडेस्टी पर ही रखा. बट अभी भी कोई कोई लोग नहीं बोल पाते. बोल लेते. आज मेरी सुबह में मालिश वाली आंटी को बोली मॉडेस्टी, बोले क्या मॉडेस्टी क्या? तो वो तो सुनने में नहीं आ रहा, एक बार समझ में आ इंसान के मुंह से जाएगा नहीं. ऐसा नहीं, आप लोग बोल के ट्राई करना मॉडेस्टी बाय निदा खान. और कमेंट करके जरूर बताना, वी लव मॉडेस्टी बाय निदा खान. निदा खान एक ब्रांड है, मॉडेस्टी बाय ये नहीं. अल्लाह, मतलब माँ बनने के बाद ऐसी वैल्यू करते हैं हस्बैंड. जुहान के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? तो याद है जुहान के जो डायपर्स है वो खत्म हो गए. अबे इतने सारे लाया था, खत्म हो गए बच्चे हैं वो. अबे डायपर खा रहे क्या? दिन में 5 से 6 बार चेंज करती हूँ मैं उसको डायपर. पागल, फटफट भर जाता है, छोटू सा बेबी है ना, तो डायपर लेकर आ जाना. अली को मुझे नहीं यूज करा तुम लोग. तुम लोग खर्चा करवा रहे, लेगी खर्चे में जुहान के नहीं पड़ जाएगा. कैसे यार, कसम से कहाँ से उसको आएगा, वो कितना छोटा है यार. तुम मान लिया, मैं बोल रहा हूँ. जुहान के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं बताओ? जुहान के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्स्ट्रा केयर डायपर. याद ही नहीं वो कैसा है. एक्स्ट्रा केयर डायपर्स यूज करते हैं, टेडी बेयर साबुन यूज करते हैं, और तेल में हम लोग टेडी बेयर नहीं, टेडी बार. टेडी
और तेल में हम लोग यूज करते हैं मालिश के लिए उसके कोकोनट ऑयल प्योर नेचुरल जो इन्हें लाए थे सॉरी। और क्या यूज करते हैं हम लोग, कैंडिड पाउडर फॉर यू नो नैपी दवाइयां यूज करते हैं और कुछ भी प्रोडक्ट नहीं यूज करते बिकॉज डॉक्टर ने मना किए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुहान बड़ा होके क्या करेगा, इन्फ्लुएंसर या कुछ और? वो तो उसकी लाइफ है गाइस, अगर उसको इन्फ्लुएंसर बनना रहेगा तो वेलकम, मोर देन वेलकम, हम तो भाई हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे। अगर उसको कुछ और बनने का रहेगा तो मोर देन वेलकम, हम उसको उसकी भी ट्रेनिंग देंगे। गाइस हम लोग बहुत कुछ किया, ये फाइनेंस में काम किया, मैंने इंजीनियरिंग किया हूँ, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स भी हम लोग सब कुछ कर चुके, बस खाली हम लोग एक चांद पे नहीं जा सके, उसकी भी तैयारी चल रही है। सुनो बट तुमको ऐसा क्या है जुहान को, तुम अगर ऐसा तुमको कोई पूछेगी तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बेटा क्या बने? सुफियान का बेटा, फरमाबरदार बेटा, नेक बेटा। अरे वो तो बनेगा ही, बने मतलब आज दुनिया के लिए क्या बने, लोगों की मदद करने वाला बेटा, लोगों का सहारा बनने वाला। तो मैं तो चाहूंगी कि जुबान में एक क्वालिटी हो, कोई अच्छा स्पोर्ट्स में हो, जैसे मेरे आदमी को कोई स्पोर्ट्स नहीं आता है, स्पोर्ट्स नहीं आता, एकदम बैड स्पोर्ट हूँ, गुड स्पोर्ट बनाएंगे। हाँ जैसे कोई बाइक चलाने का, बाइक चलाने का स्पोर्ट नहीं, छपड़ी गिरी होती चल। अरे बचपन में जो बच्चे लोग बाइक चलाते, बाइकर्स वाले। अच्छा बाइकर्स वाले, मैं बोला यामा वाले। एक गेंद नीचे का बम्बई पीछे। हाँ ये डोंगरी और पाइथुन की सब है डायलॉग। नेक्स्ट, जोहान की डिलीवरी के बाद क्या कंडीशंस हैं? तो गाइस जोहान की डिलीवरी के बाद बहुत अप्स एंड डाउन्स आए चीजों में, बट डॉक्टर बोलते हैं कि अभी तक जोहान तुम्हारे टमी में है ये सोचो, बिकॉज उसको एक महीने पहले वो आ गया है। तो जब उसकी बॉर्न डेट 22nd February है तो उसके बाद से ही हम लोग काउंट करेंगे कि उसका वेट गेन वेट लॉस जो भी है। तो अभी फिलहाल के लिए उसके ऊपर मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशंस बहुत अच्छी है, पर अभी थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है चीजों को लेके, उसको अच्छे से पोषण जाना चाहिए ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नियान जोहान को लव मैरिज करने देंगे? कभी नहीं। हाँ ये हालत होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो करने दूंगी बाबा, मेरे बच्चे को जो करना है वो करे, मेरे बच्चे को जो बनना है वो बने, जो बनना है बने। मस्त, मेरे को ऐसे रिस्ट्रिक्टेड पेरेंट नहीं बनना है, क्योंकि हमारे घर वाले भी ऐसे नहीं थे, हमको इतना अच्छा बॉर्न एंड ब्रॉटअप दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तो भी हम लोग एक नेक रास्ते पे है, अगर उनकी परवरिश इतनी अच्छी है तो हमारी भी वैसी रहेगी, तो हमारी भी औरत वैसी रहेगी। पर बोलते हैं ना कि नसीब में जो चीज लिखी होती है वो होती है, अगर उसे जैसा रहना रहेगा वो वैसा रहेगा। वो बोलते हैं ना किसी परिंदे को पिंजरे में बंद करके रखो तो वो और उड़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे बेटर उसको छोड़ दो गाइस, सुबह का भूखा शाम को लौट के घर ही आता है। करेक्ट, बस इतना प्यार देना चाहिए अपने बच्चों को कि उनको बाहर जरूरत ना पड़े ढूंढने, तो वो 10 लोगों के साथ क्यों ना रह ले, पर उनको घर की ही याद आनी चाहिए कि नहीं मेरी मम्मी वेट कर रही है, मेरे डैडी वेट कर रहे हैं। सो गाइस दो क्वेश्चन बाकी है, ब्रांड खोलने का आइडिया किसका था? सी आइडिया दोनों का था। सूफी ऐसा मत बोलो यार, मैं तेरा गला नोच लूंगी। हम लोग दोनों का आइडिया था, बट मुझे ऐसा था कि थोड़ा रुक के कर लेते हैं। अगेन मैं बहुत ज्यादा ये सब चीजों में डरती हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कभी लॉस हो जाए, और अगर हमारी जब इन्वेस्ट करने के बाद थोड़ी ना फॉरेन रिटर्न्स आते, तो एक दो साल बाद रिटर्न्स आते, और अगर हमारी वो टाइम पे इतनी कैपेबिलिटी ना हो कि वो लॉस को हम झेल पाए, तो मैं थोड़ा सा वो सब चीजों में थोड़ा सा सोचती हूँ, बट ये थोड़ा सा हिम्मत दी है। क्योंकि गाइस मुझे एक जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा हिट कर गई थी। स्टोरी ये है कि हम लोग एक बंदे से मिले थे, तो वो कपड़ों की दुकान में ही काम करता था ऑलरेडी, तो उसके पास ना एक लेडी है, उन्होंने कहा कि भाई मुझे बुरखा बनवाना, तो उन्होंने कहा कि बोले हाँ बोले मैं बना दूंगा बुरखा, मैं एक बुरखे का 2500 रुपए लेता हूँ। तो उन्होंने क्या कि बोले ठीक है ऐसे ना 100 बुरखे बना। बोले 100 बुरखे किसके लिए? बोले 7 से 10 साल के बच्चों के लिए बुरखे बनाओ। तो वो बंदा बोला बोले कि अरे 7 से 10 साल के बीच के लिए बुरखा? तो इतने में फिर उसको बोले कि ठीक है तुम ऑफिस पे आओ, ऑफिस पे आके ना पैसा ले लो और बुरखे बना दो। तो वो ऑफिस पे गया, तो उन्होंने वो जो क्लाइंट था उन्होंने वहां पर ना उसके हाथ में 1 लाख रुपए रख दिए। बोले ठीक है इसके अंदर 100 बुरखे बना दो। तो वो सोचा बोले यार 100 बुरखे का 1 लाख रुपए तो ज्यादा हो गया, ऐसे बुरखे तो 25-30 हजार बन जाएंगे नॉर्मल कपड़े के। तो वो सोचा बोले यार चलो ठीक है इसके अंदर मैं काम करता कैसा कैसा करके इसकी कॉस्टिंग में 1 लाख रुपए तक लेके जाता हूँ, कवर हो जाएगा। तो उसके पहले ये क्यों सोचा उसने, क्योंकि उसको मालूम था और भी ऐड किया। तो उसने ये क्यों किया, उसको पता, उसने जब पूछा कि आप 100 बुरखे क्यों बनवा रहे, उन्होंने कहा कि ये यतीम खाने की बच्चियों के लिए है जिनका कोई नहीं होता है, जो तालीम सीखती है, जो नमाज सीखती है, जो कुरान हाफिज बनती है, जो पढ़ने का जिनमें जुनून रहता है बट उनके पास कोई जरिया नहीं रहता है, तो ये उनके लिए। तो गाइस वो चीज मुझे इतनी हिट कर गई कि यार दुनिया में ये भी एक तरीका है किसी की मदद करने का, मतलब एक मेरे अंदर ना गाइस एक वो जुनून जाग गया। तो निधा और मैं बैठ के डिस्कस की, बोले चलो ठीक है ब्रांड ही खोलते। ब्रांड से क्या होगा कि निधा को भी कपड़े मिल जाएंगे जो निधा को पहनने हैं, और गाइस बहुत सारे लोगों को जो तकलीफ है वो भी सही हो जाएगी, जो लोग पहनने नहीं मिलता उनको भी पहनने मिलेगा, और गाइस लोगों की मदद भी हो जाएगी। तो ये एक बस हमारे सोचने का खोलने का एक वो था, क्या था आइडिया दिमाग में आया।
और मुझे ऐसा था कि जैसे कि मैंने पहले भी बोली हूँ कि मैंने हिजाब की तो बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए मेरे पहनने पे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप दीदी कहाँ से खरीदते हो, आपको कहाँ से ये सब मिलता है ये वो। तो वो सारे रिस्पॉन्स की वजह से भी मुझे ऐसा लगा कि सुफियान क्यों ना हम लोग एक जरिया बने लोगों को नेकी के रास्ते पे चलाने के लिए। तो इसके वजह से एक ये भी पॉइंट है हमारा ब्रांड खोला। और गाइस आप लोग यकीन नहीं करोगे, निदा ने अक्टूबर में जो बुर्का पहनी थी ग्रे कलर का, आप लोग सोचो वो किचन का बना होगा। ग्रे नहीं था वो, ग्रीन था, सी ग्रीन, सी ग्रीन था। सोचो किचन का बना रहेगा गाइस, वो बुर्का है ना 10,000 से 11,000 रुपए का बना है। सिर्फ वो नॉर्मल बुर्का आपको देखने में लगेगा वो, बट गाइस क्वालिटी जो है ना वो इतनी प्रीमियम है कि निदा ने वो जो अक्टूबर में पहनी थी, अगर वो अभी भी पहन के किसी की शादी में भी चले जाना गाइस, लोगों को लगेगा कि वो कहां से सिलवा के ला। क्योंकि लाइव देखने में और वीडियो में देखने में बहुत फर्क है। जैसे कि जो लोग लाइव मिलते हो बोलते हैं लाइव बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हो, वीडियो में अच्छे नहीं दिखते इतने, मतलब अच्छे दिखते इतने नहीं दिखते, लाइव बहुत ज्यादा अच्छे दिखते। मेरी हाइट लोगों को बड़ी लगती है, मेरी स्किन अच्छी लगती है, इसकी स्किन अच्छी लगती है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, इसकी पोलाइटनेस अच्छी लगती है लोगों को, बट वीडियो में नहीं दिख के आती है। तो बस यही फर्क है। यस, क्योंकि हम लोग को फिल्टर्स डालने की आदत नहीं है, नेचुरल रहते हैं हम लोग, जैसे है वैसे। और सुफियान का बोलना ये है कि कैमरे पे ऐसे रहो जब सामने से इंसान देखे तो बोले ओह ये तो एकदम ही अलग ही दिखता है, मतलब अच्छे है। वरना इतने लोग फिल्टर लगाते हैं, रियल में देखो तो पहचानने में रहते, बोले ये वही तो नहीं है, उसका असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जोहान कब और कितने बजे पैदा हुआ? तो गाइस जोहान पैदा हुआ है 9:48 को। किससे मारू, क्यों कितने बजे? 9:48 मैं भी तो डॉक्यूमेंट्स में ही देखूंगी ना। और कितनी तारीख को हुआ? कितनी तारीख को? 17th January 2024। चलो ये तो सही। So guys, finally, हमारे सब क्वेश्चंस के आंसर्स कवर्ड हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर कुछ रह गए रहेंगे तो आप लोग कमेंट कर दो, हम लोग इंशाल्लाह 2026 में जब वीडियो बनाएंगे तब आप लोगों को बता इंशाल्लाह। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट।